शहीद कर दिया गया? किसने किया कराया? कहां से तालीम हासिल करके आया था वो जिसने शहीद किया शाह फैसल शहीद को? उसकी गर्दन पर कौन सवार थी वो यहूदी लड़की के जिसके फोटो भी शाये हुए, एक गर्दन पर उठाए खड़ा हुआ शहजादा अपनी एक यहूदी दोस्त को? दूसरी जंगे अजीम के बाद एक दौर आया, अमेरिका उभरा है दुनिया की आलमी सतह पर सियासत में, उसके यहां कुछ आजादी के तस्वुरात थे, उसने भी सपोर्ट किया। बर्तानिया कमजोर हो चुका था, वो इतने बड़े इलाके को होल्ड नहीं कर सकता था। हिंदुस्तान भी आजाद हुआ, फिर यह कि और दूसरे इलाकों से भी उसको पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। इस्तेमार के पंजे जिस तरह भी हुए इनके सीनों से, अरबों के सीनों से जो है गोया कि वो हटे, लेकिन अमेरिका ने एक अपनी बहुत बड़ी हिकमत अमली जो इख्तियार की, आलम अरब के सीने में इसराइल का खंजर पैवस्त कर दिया ताकि ये कभी आजाद ना हो जाए। हमारे अंगूठे तले रहे, हमारी पॉलिसी गवर्न करे। ये इस्तेमार का दूसरी जंग अजीम के बाद, जहां बरतानवी इस्तेमार फ्रांसीसी इस्तेमार रफ्ता रफ्ता ये हटने शुरू हुए, सदर नासिर ने अंग्रेजों को उठाकर फेंका मेडिट्रेनियन में और दूसरे जगहों से, अलजदायर ने आजादी हासिल की फ्रांस से, अतालवियों से जो है लीबिया वालों ने आजादी हासिल की, ये हो गया। लेकिन एक खंजर पैवस्त कर दिया गया इसराइल का सीनाए अरब। इस सूरत हाल में जाहिर बात है कि एक तो बड़ी आइडियल पोजीशन थी कि पूरा आलम इस्लाम मुत्तहिद हो, लेकिन वो तो बहुत दूर का ख्वाब मालूम होता है। अल्लामा इकबाल से बड़ा कोई नकीब नहीं है मिल्लत इस्लामी की वहदत का, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। लेकिन उन्हें भी अपने लेक्चर्स में कहना पड़ा, इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे आलम इस्लाम की एक वहदत बन जाना तो तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा है, अगर किसी तरह एक कॉमनवेल्थ ऑफ मुस्लिम नेशन वजूद में आ जाए तो भी बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन उससे भी पहले यह तो ज्यादा आसान था कि आलम अरब एक वहदत की शक्ल इख्तियार कर ले। ये तो एक कौम है, अक्सर व बेशतर एक नस्ल या ज्यादा दो नस्लें कह दीजिए, शिमाली अफ्रीका में बर्बर नस्ल भी है, बाकी तो सब अरब है। ये पूरा आलम एक नस्ल, एक जबान, पूरे इतने रकबे के ऊपर बोले जाने वाली एक जबान, यह तो एक हो जाए। अफसोस यह है कि इसका एक हो जाना, एक शख्सियत उभरी थी जो मजहबी मिजाज की शख्सियत थी, जो दीनी मिजाज की हामिल शख्सियत थी, अगर उसकी क़यादत में आलम अरब मुत्तहिद हो जाता तो वाकईतन एक बहुत बड़ा जो है मरहला वो तय हो जाता पूरी आलमी मिल्लत इस्लामिया की एक वहदत इख्तियार करने का। वो शख्सियत थी शाह फैसल शहीद की। और इस लफ्ज के साथ ही आपके जहन में आ गया होगा क्यों उन्हें शहीद कर दिया गया, किसने किया कराया, कहां से तालीम हासिल करके आया था वो जिसने शहीद किया शाह फैसल शहीद को, उसकी गर्दन पर कौन सवार थी वो यहूदी लड़की के जिसके फोटो भी शाये हुए, एक गर्दन पर उठाए खड़ा हुआ शहजादा अपनी एक यहूदी दोस्त को, लड़की को, और वही है कि जिसने जाकर पिस्तौल से शहीद किया है। जान में अच्छी तरह जान लीजिए, जैसे बारहा मैंने अर्ज किया है कि हजरत उमर को शहीद करने वाला कहने को अबू लुलू फिरोज था, लेकिन उसके पीछे पूरा ईरानी नस्ल परस्ती का जो पूरा पसमंजर है, उसे तो हर शख्स जिसकी जरा भी निगाह जो है जो सिर्फ मंजर को ना देख रही हो पसमंजर को भी देखने वाली हो, वो तो जान लेगी कि अबू लुलू फिरोज एक फर्द का नाम नहीं था, वो ईरान का इंतकाम था आलम अरब से। बिल्कुल इसी तरीके से ये अमरीकी इस्तेमार का हथकंडा था, उसे महसूस हुआ शाह फैसल मजहबी मिजाज का शख्स ये उभर रहा है। और ये शाह फैसल की हिकमत अमली का जरा आप अंदाजा कीजिए, लाहौर में समिट कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो आए, सबसे टावरिंग पर्सनैलिटी पूरे उस वक्त आलम इस्लाम के अंदर शाह फैसल की थी, और वो गोया के एक बहुत ही जिसको कहा जाए कि एक बहुत एल्डरली एक बुजुर्गाना एक शख्सियत जो है, और उन्होंने अपने दौलत के दरवाजे अरब में वो मशहूर थे कि निहायत खसीस और बखील इंसान है, इसलिए कि वहां वो खर्च करते थे हिसाब किताब के साथ, लेकिन उनके खजाने खुले हुए थे आलम इस्लाम के लिए, इधर भी मदद है उधर भी मदद है, इधर भी काम हो रहा है उधर भी काम हो रहा है। फिर उन्होंने तेल का हथियार इस्तेमाल करके एक दफा अमरीका को दिन में तारे दिखा दिए थे, लिहाजा उनका हटाया जाना सीन से यह अमरीकी इस्तेमार के लिए लाजिम था। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है,
सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।